प्यारा सा मोहित आर्ट रूम। This channel all about creativity. Make sure you subscribe my YouTube channel. Press the bell icon और आगे के नए videos के लिए notification bell को all पे click करके जरूर रखना और आप लोगों के प्यारे प्यारे suggestions को comment box में लिखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज का मजेदार brand new episode। So guys, आज का वीडियो है ना होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ये कंडेंसिंग पेंटिंग पे पेंटिंग। और यार बहुत ही क्रेजीस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर कोई ये कंडेंस मिल्क के टीम को फेंक देता है और हम इसको रियूज करेंगे और बेसिकली रिसाइकल करेंगे और बहुत ही यूजफुल चीजें बनाएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे ये जो हर कोई से फेंक देता है ना, इसको हम एक नया जीवन दान देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर। सो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए कंडेंस मिल्क का टिन, जो कि आपको आपके ही घर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सबसे पहले हमें अपने कंडेंस मिल्क के टिन पे जेसो का एक कोट कर लेना है, जिससे हम जो कुछ भी पेंटिंग करेंगे वो अच्छे से टिकेगी और कलर निकल के नहीं आएंगे। क्या आपको भी हर बार यही सवाल आता है कि हम हमेशा जेसो का यूज क्यों करते हैं? उसका एक ही आंसर है कि हमारे आर्ट वर्क को अच्छा बेस कोट मिले। सो गाइस, ये कंडेंस मिल्क के डब्बे की साइड्स को ठीक करने के बाद हम सबसे पहले उसके ऊपर जेसो लगाएंगे। तो एक जेसो का कोट पहले इस पे चढ़ा देंगे और बाकी की प्रोसेस स्टार्ट। अब आप लोग सोचोगे कि व्हाइट जेसो पे ही व्हाइट पेंट क्यों कर रहा हूँ, पर मुझे एकदम प्योर व्हाइट कलर का बेस चाहिए, क्योंकि जो हमारी इस पे पेंटिंग होने वाली है वो व्हाइट के ऊपर कलरफुल होने वाली है। तो देखिएगा आगे क्या होता है। व्हाइट पेंट हो जाने के बाद हम मार्कर की मदद से कुछ इस तरीके से टिन के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद हमारे मन पसंदीदा कलर्स को हम पेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और यार ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी, क्विक और बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। आप ये पूरा हो जाए उसके बाद में चेक करना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगने वाला है। इसी तरीके की क्रिएटिव चीज़ें सीखने के लिए मोहित आर्ट रूम को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आपके सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। पेंट हो जाने के बाद मार्कर की मदद से हम फूल पत्ते हमारे टिन पे बना लेंगे। ड्रॉ होते ही कुछ इस तरीके से हम उसके ऊपर कलर करेंगे। और यार ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा है, एस्थेटिक दिख रहा है। आपको ये DIY कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, हमारा फर्स्ट DIY रेडी हो चुका है। सच बताना कोई नहीं बता पाएगा कि ये कंडेंस मिल्क के टीम पे पेंट किया गया है। और भी खूबसूरत से DIY क्रिएट करते हैं आज की इस वीडियो में। आप किसी भी प्रकार के टीम पर पेंटिंग करो तब उसकी साइड्स को अच्छे से ठीक करना मत भूलना, और जेसो का कोट हो सके तो ज़रूर चढ़ाना, जिससे आपकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी और ज़्यादा दिन तक टिकेगी।
और ये छोटे से टिन पे मैं इमोजी क्रिएट करूंगा, इसमें हम मनी प्लांट रख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखेगा। ये सिंपल से टीन को हम पहले बेस कोट करेंगे जेसो से, उसके बाद में मैं इनको कलरफुल इसमें इमोजी क्रिएट करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। मार्कर की मदद से इमोजी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम डिटेलिंग रखना स्टार्ट करेंगे। और यार डिटेलिंग हर एक डीआईवाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और डिटेलिंग आप कहोगे कि मुझे तो नहीं आती, पर डिटेलिंग हर कोई कर सकता, आपको धीरे से अच्छे से ध्यान देकर ये चीज करनी होती है। और कोई भी चीज हमें फर्स्ट टाइम में नहीं आ जाती तो ट्राई बट डोंट क्राई, आप ट्राई करते रहो, आपके DIY भी बहुत ही ज्यादा अच्छे, क्यूट और अमेजिंग बनते जाएंगे। और ये छोटे से टीन को मैं कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रहा हूँ, जिसे हर कोई फेंक देता है उसे हम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी हर किसी के घर में ऐसी चीज़ें होती है जो कि हर कोई डस्टबिन में फेंक देता है, पर मैं ऐसी चीज़ें संभाल के रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आपको भी मेरी तरह ऐसी चीज़ें क्रिएट करना पसंद है, हाँ या नो, रेड हार्ट कमेंट में ज़रूर करना अगर आपको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है तो। Amazing! देख रहे हो गाइस, हमने ये कंडेंस मिल्क के टीन को कितना क्यूट बना दिया। और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, जब आप पेंटिंग करोगे ना धीरे धीरे करना, टाइम देकर करना, हड़बड़ी मत करना, बहुत ही ज्यादा अच्छा और फिनिशिंग में काम होगा। और अभी लास्ट वाला DIY बट जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव, क्योंकि हम इसको बहुत ट्विस्ट के साथ बनाने वाले हैं। और भाई ये मतलब इजी पीजी और फन होने वाला है, इस पे हम ब्रश यूज नहीं करेंगे। ये DIY बहुत ही ज़्यादा आसान, इजी, क्विक होने वाला है, पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप इसको कॉर्नर में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। Amazing! और इसको हम सिर्फ और सिर्फ स्पंज की मदद से पेंट कर रहे हैं। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपल और एस्थेटिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और इसको मैं कुछ इसी तरीके से डेकोरेट हो जाने के और कुछ इसी तरीके से ऊपर की तरफ स्काई ब्लू और नीचे की तरफ पिंक कलर को स्पंज की मदद से मैं पेंट कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सेटिस्फाइड प्रोसेस है यार। और एंड में हम हमारे सारे DIYs के ऊपर वार्निश का एक कोट करेंगे जिससे हमारे DIY में ग्लॉस बना रहे और वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते रहे। Amazing!
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके प्यारे सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू।